चलिए, तो हम विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। व्यक्तियों की श्रवण मान्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखिए, ऑडियोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की? तो याद रखिए, कार्ल सागान ने। अगला है, कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो याद रखिए, एंथ्राकोसिस। अगला है, समुद्री जल में धात्विक तथा अधात्विक तत्व बहुतायत से पाए जाते हैं? तो याद रखिए, सोडियम आयोडीन। अगला है, एक्स किरणों वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग होते हैं? तो याद रखिए, बराबर। अगला है, टिटनस का रोग किसके कारण होता है? तो याद रखिए, जीवाणु। अगला है, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो याद रखिए, विटामिन के। अगला है, भारत का परमाणु रिएक्टर कामनी कहाँ है? तो याद रखिए, कलपक्कम में। अगला है, पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? तो याद रखिए, पेरीस्कोप से। अगला है हमारा, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक कहाँ जाता है? तो याद रखिए, कुंचन दाब। अगला है, पिलास्टिक और पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। अगला है, हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक हैं? तो याद रखिए, लुई पाश्चर। अगला है, पिलांक नेतांक की बीमारी वही है जो होती है? तो याद रखिए, कौड़ीय संवेग की। अगला है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? याद रखिए, तना से। अगला है, पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है? तो क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन अनुकूल है, तो याद रखिए, मंगल पर। अगला है, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो याद रखिए, बुध। अगला है, फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में कौन सा रासायनिक इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिए, सोडियम थायोसल्फेट। अगला है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है? तो याद रखिए, रॉकेट में। अगला है हमारा, हेमेटाइट किसका आयस्क है? तो याद रखिए, लोहे का। अगला है, भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखिए, ग्रेफाइट। अगला है, ओजोन एक त्रिपरमाणविक अणु है जो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सूर्य से निकलने वाली किस ऊर्जा विकिरण से गैस बनती है? तो याद रखिए, उच्च ऊर्जा परावैगनी विकिरण के द्वारा। अगला है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को कहाँ की गई थी? जिसके आप देश भर में 10 सर्जिकल सर्किल कार्यालय हैं? तो याद रखिए, कोलकाता पश्चिम बंगाल। अगला है, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो याद रखिए, आइंस्टीन ने। अगला है हमारा, ऑस्टियोमेलिसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो याद रखिए, कंगाल तंत्र। अगला है हमारा, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब में बनता है? तो याद रखिए, रेटिना पर। अगला है हमारा, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो याद रखिए, विद्युत मोटर। अगला है हमारा, पानी के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो याद रखिए, सहसंयोजी बंध। अगला है प्रश्न हमारा, केप्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो याद रखिए, माइटोकांड्रिया में। अगला है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। अगला है, भारत में सर्वप्रथम 6 कृषि कॉलेज किस वर्ष खोले गए? तो याद रखिए, 1905 से 1907 के वर्ष। तो ये थे हमारे सावर, पुणे, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर, लायलपुर में जो अब पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1960 में कौन सा खोला गया? तो याद रखिए, पंतनगर, उत्तराखंड। अगला है, वर्तमान में देश के कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो याद रखिए, 541 केवी
KBKS बंगला वर्ष 1974 में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है? तो याद रखिए पांडुचेरी। अगला है हमारा, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल जा रही है, कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल होगा शून्य। अगला, एक भारी रबर के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा जाता है, जल में इसका भार होता है शून्य। अगला है, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। अगला है, प्लाज्मा प्रोटीन का क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो याद रखिए सर जेम्स हैरिसना। अगला है, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो याद रखिए यकृत में। अगला है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए क्लोरो एसिटोफिनोन। अगला है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित उसकी पुनरावृत्ति करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी। अगला है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल की स्थापना की गई 1993 में। अगला है, किस की स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिए रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में। अगला है, जन स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक का आयोडीनीकरण आवश्यक है? गलकंड को रोग को। अगला है, मप्स नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? लार ग्रंथि। अगला है, फीकल संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो याद रखिए CO2। अगला है, कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक नाम है Na2CO3। अगला है, कोशिका का सुसाइडल बैंग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। अगला है, पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिए टेस्टोस्टेरोन। अगला है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया जाता है? तो याद रखिए यूरिया। अगला है, शैल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिए चट्टानों के अध्ययन से। अगला है, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। अगला है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला है हमारा, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थापना कब की गई? तो 16 जुलाई 1929 को, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। अगला है, बल तथा संवेग परिवर्तन की दर दोनों की विमाएं हैं? तो याद रखिए MLT की पावर -2। अगला है, पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम होता है? तो याद रखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला है, द्रव में गिरता पिंड द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? श्यानता के कारण। अगला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? याद रखिए 0.03। अगला है, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजी करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने अयोग्य बना देता है। अगला है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है जिसमें जिससे क्या उत्पन्न होता है? ओजोन। अगला है, फेडोजेनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा निर्माण का। अगला है, क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है? तो याद रखिए फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की। अगला है, नार्म स्थित है हैदराबाद में, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। अगला है हमारा, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट पतंगों का। ठीक है, अगला है, सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों के अध्ययन को कहते हैं? पारिस्थितिकी। अगला है, रक्त समूह की खोज की थी? तो याद रखिए कार्ल लैंड स्टीनर ने। अगला है, रक्त समूह ओ को सामान्य दानकर्ता कहा जाता है, तो किस रक्त समूह को सामान्यतः प्राप्तकर्ता कहा जाता है? तो याद रखिए रक्त समूह AB को।
अगला है और ट्रियो रक्लेरोसिस ह्रास रोग का कारण है, धमनियों का कठोर हो जाना। अगला हमारा स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, वो याद रखिए एमाइलेज। अगला है बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है, तो याद रखिए क्षय रोग के उपचार के लिए। अगला है टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, विषों का। अगला है हमारा नल दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंगा चित्रित है, तो याद रखिए राजा रवि वर्मा। अगला है एथलीट फुट बीमारी किससे होती है, तो कवक से। अगला है नेत्रदान में दाता की कौन आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो याद रखिए कॉर्निया को। अगला है किस विटामिन की कमी से जेरोपेथेलमिया हो जाता है, तो याद रखिए विटामिन ए की कमी के कारण। अगला है किन तत्वों की अनुपस्थिति के कारण आजकल दूध का पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता है, तो याद रखिए लोहे एवं विटामिन सी की अनुपस्थिति के कारण। अगला है किसी ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने लॉन्च किया है, तो याद रखिए प्लूटो का अध्ययन करने के लिए। अगला है किस तत्व की कमी के कारण ऑस्टो मेलिसिया रोग हो जाता है, तो याद रखिए कैल्शियम की कमी के कारण। अगला है गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो यह है ऑक्सीटोसिन। अगला है व्यक्तियों को सुनने की योग्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाते हैं, तो यह ऑडियोमीटर। अगला है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव की स्थापना किस वर्ष हुई, 1984 में। अगला है किस फसल में नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, धान। अगला है धान में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो याद रखिए जिंक की कमी। अगला है मूंगफली में पॉली फली रोग उत्पन्न होता है, तो याद रखिए कैल्शियम की कमी से। अगला है विकास संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, जल से। अगला है सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो याद रखिए कोपरनिकस ने। अगला है यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिए वह मंद पड़ जाएगी। अगला है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है, तो याद रखिए MT^-2। अगला है ऑप्टिकल तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला है हमारा पीतल बनता है, तो याद रखिए जस्ता और तांबा से। अगला है बेकिंग सोडा का सूत्र है, तो NaHCO3। अगला है औषधीय पौधों में सफेद मूसली का महत्व प्रयोग नाड़ी विकार दुर्बलता दूर करने वाले सर्वोत्तम टॉनिक के रूप में किया जाता है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो याद रखिए कैलोरोफाइटम बोरीविलियनम। अगला है काल मेघ जिसका मूल उत्पत्ति स्थान भारत है का उपचार का उपयोग ज्वर उपचार पेट की जलन तथा पेट में गैस निर्माण से रोकने में प्रमुखता से होता है, इस यह किस परिवार का पौधा है, तो याद रखिए एक कैंथसी। अगला है वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रासायनिक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, तो याद रखिए क्लोरो फ्लोरो कार्बन CFC। अगला है धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायक करती हैं, तो सभी किरणें। अगला है सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। अगला है कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है, तो याद रखिए CPU। अगला है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो वह व्यक्ति किस नेत्र की नेत्र रोग से पीड़ित है, तो याद रखिए मायोपिया। अगला है समुद्री घासें कि किस कुल में आती हैं, तो याद रखिए फेओफाइसी। अगला है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी पावनी होती है, तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगला है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो एमाइलेज। अगला है मनुष्य में गुणसूत्र की दुगुणित संख्या है 46। अगला है उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण किसके द्वारा संक्रमित होता है, तो याद रखिए विषाणु द्वारा। अगला स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है, 120 प्रति
180, 120 थी 80। अगला है, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो याद रखिए अग्नाशय की गड़बड़ी से। अगला है, पूसा को मोहित पूसा पूसा अभिषेक, पूसा मोहित पूसा अभिषेक, पूसा उर्मिल पूसा मनहर पूसा रंजना किस पुष्पीय पौधे की किस्म है? तो गुलाब। अगला हमारा ज्योत्सना उर्मिल गुलाब शबनम एवं वोबेसी किस पुष्पीय लघु पौधे की नई किस्म है? तो याद रखिए ग्लेडियो प्लस। अगला है, एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की? तो याद रखिए जोसेफ लिस्टर ने। अगला है, कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं एंटीमोलॉजी। अगला है, शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है सुक्रोज का डेक्रोज में। अगला है, क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए निम्न ताप और उसके अनुपयोगों का। अगला है, एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए कवक के द्वारा। अगला है, केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन। अगला है, विटामिन सिक्स पाइरोडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिए एनामिया या रक्त क्षीणता। अगला है हमारा, इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है धन आयन। अगला है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। अगला है हमारा, सूत्र है ई बराबर एम सी स्क्वायर क्या कहलाता है? तो याद रखिए आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। अगला है हमारा, विद्युत परिपथों पर लगाया जाने वाला फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो याद रखिए शीशा तथा टिन का। अगला है हमारा, गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का। अगला है, किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? सर विलियम हेनरी वेग ने पुत्र विलियम लॉरेंस वेग के साथ 1915 में। अगला है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है? तो याद रखिए अग्नाशय से। अगला है, जीनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है उत्क्रम अभिनति में। अगला है, अंडे के सफेद भाग में मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन। अगला है, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? टाइलिन। अगला है, मानव शरीर में कौन उन पिति पिंडों का निर्माण करती है जो पिति रक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स। अगला है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है तो विकास ऊर्जा की वो विद्युत ऊर्जा में। अगला है, कंप्यूटर की क्लॉड स्पीड मापी जाती है तो मेगा हर्ट्स तथा गीगा हर्ट्स में। अगला है, औषधीय पौधा रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम है? तो याद रखिए फॉली एंथस ट्यूबारोसम। अगला है, ICAR केंद्र कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? तो याद रखिए 558 KBKS। अगला है हमारा, पीत ज्वार किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो AEDs द्वारा। अगला है, पेस्टुरीकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है तो 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए। अगला है, शीशा पेंसिलों में शीशे का प्रतिशत कितना है? तो 0%। अगला है, संवेग की विमाएं MLT-1। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अगला है, कैचुआ में हृदय की संख्याएं होती हैं 4। अगला है, रेबीज का इलाज किसने ढूंढा था? तो लुई पाश्चर ने। अगला है, जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया? चेचक का। अगला है, वेरी 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 की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिए विटामिन B1 थायमिन की कमी के कारण। अगला है, पानी की अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? अधिकतम तो याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है, न्यूट्रॉन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? संवेग का। अगला है, प्राकृतिक में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तत्व की ओर संकेत करता है? तो याद रखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन के कभी ना समाप्त होने की। अगला है, डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या का। अगला है, लाल चींटियों से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? फार्मिक अम्ल। अगला